नमस्ते बच्चों। तो हम कक्षा 10 के पाठ्य पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस तरह क्रांतियों का दौर था जो 1830 से 1848 के मध्य चला, और आज हम भूख और कठिनाई और जन विद्रोह के बारे में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। 1830 के यूरोप में भारी कठिनाइयों लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में यूरोप में जनसंख्या में वृद्धि हुई और ज्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी कई बस्तियों में रहने लगी। तो ग्रामीण लोग है ना, वो जाकर भीड़ वाली बस्तियों में, और जहाँ ज्यादा रोजगार था वहां जाकर रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीनों से बने सस्ते कपड़े से बड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीपों से ऊंचा था, और इंग्लैंड एक ऐसा देश था जो उस समय बहुत अमीर देश था, और इसमें औद्योगिकरण वहां सबसे ज्यादा फैला हुआ था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्य घरों और छोटे कारखानों में होता था, केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों का बहुत तले दबे हुए थे, और इंग्लैंड यहाँ पर जो अमीर लोग थे ना, वो गरीबों को नीचे दबाने की कोशिश कर रहे थे, उनसे ज्यादा कर लिया करते थे, और अमीर उधर जा रहा था और गरीब नीचे बैठा ही जा रहा था। खाने पीने की चीजों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गाँव में व्यापारिक वृद्धि फैल रही थी। 1848 ऐसा एक वर्ष था जहाँ खाने पीने की और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए थे। 1848 में बहुत बड़ा अकाल गिरने के कारण वहाँ के लोगों में खाने पीने की बड़ी तादाद आ गई थी, और लोग भूखे प्यासे से मर रहे थे। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिली को भगाने पर मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुष को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कानून स्थापित किए गए। काम को अधिकार की गारंटी रोजगार कराने की स्थापित किया गया। इससे पहले 1845 में सिलोसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों से लेते हुए खिलाफ विद्रोह कर दिया, जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे परंतु काम बहुत कम देते थे। पत्रकार विलियम वॉल्फ ने सिलसिले से एक गांव की घटना इस प्रकार की थी। 1845 में जो बड़ी तादाद में लोग काम करते, लोगों वाले वो कृषकों को कम वेतन दे रहे थे, उनसे ज्यादा काम करवा रहे थे, उनसे मजदूरी बहुत ज्यादा करवाते थे, जिससे लोग बहुत तंग आ चुके थे। इन गाँव में 1860 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक था। श्रमिकों की हालत खस्ता थी। काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने पर काम की कीमतें गिरवा दी। बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और दो कतार में चलते हुए ठेकेदारों की कोठी पर जा पहुंची। 4 जून दोपहर 2 बजे ऐसा कुछ हुआ कि जिसमें भीड़ अपने इकट्ठा हुई और अपना एक गैंग बनाई और वह अपने ठेकेदारों की भीड़ अपने आंदोलन खड़ा कर दिया। फिर ज्यादा मजबूरी की मांग कर रहे थे, ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वेतन बहुत कम दिया जा रहा था। उसके साथ ही कभी घृणा का व्यवहार नहीं किया गया तो कभी धमकियां दी गई। इसके बाद यह भीड़ घर में जबरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर, चीनी मिट्टी की बनी नसीब चीजें तोड़ दी। एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़े और भंडार को लूट कर उसे तार तार कर दिया। तो उस आंदोलन ने ठेकेदारों के घर में जबरदस्ती घुस के वहां कपड़े फाड़ दिए और फर्नीचर आदि वगैरह तोड़ दिए। उनको बहुत जनधन की हानि हुई और उन्होंने बताया कि हमारी मजदूरी को बढ़ा दिया जाए और ना इससे और भी आंदोलन बड़ा कर दिया जाएगा। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग गए। हालांकि ऐसे व्यक्ति तो उस गांव के शरण देने से इनकार कर दिया। वह 24 घंटों बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद टकराव हुआ, उससे 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। तो चलो पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पॉइंट में जाना हमने कि किस तरह जनता ने मजदूरी के लिए अपना आंदोलन खड़ा कर दिया और अपने ठेकेदारियों को अपने घर से बाहर निकाल दिया। तो उदारवादियों की क्रांति। 1848 में अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समांतर पढ़े लिखे मध्य वर्गों की क्रांति भी हो रही थी। तो उस समय 1848 में कुछ लोग जो बाहर विदेश में जाकर पढ़ाई करने लगे, वो वापस भारत में लौटे। उन्होंने जाना कि यहाँ पर तो बहुत गरीबी है, जिन्होंने मध्य वर्गों को जागरूक करने के लिए कहा था। फरवरी 1848 की घटनाओं में राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वजनिक मताधिकार पर आधारित था।
यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगेरिया साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्रीय राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्रीय राज्य संविधान के प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जर्मनी इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रेड फ्रंक शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। जर्मनी इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने इकट्ठा होकर तथा मतदान करने का सभी ने एक फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सदी दर्जे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण कर लिया और 1848 में 1831 निर्वाचित प्रतिनिधियों सजे दर्जे जुलूस में जाकर फर्नेट संसद में अपना स्थान वहां पर ग्रहण कर लिया, वहां अपना स्थापित कर लिया। यह संसद सेल पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन के लिए एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्रीय अध्यक्षता की ऐसे राज्यों को सौंपी गई जो संसद अधीन रखता था। प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों को प्रसा के राज्य फ्रेडरिक वेरिन चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की गई तो उसे अस्वीकार कर राजाओं का साथ दिया गया तो निर्वाचित सभा की विरोध कर दी गई। इस राष्ट्र की अध्यक्षता में एक राजा को कार्यभार संभाला गया लेकिन संसद को अस्वीकार कर दिया गया और उसे ताज पहनाने से इनकार कर दिया गया। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विद्रोह बढ़ गया वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में के मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था जिन्होंने जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया जिससे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर कर दिया। जहां कुलीन वर्ग सोच रहे थे किसान अपना साथ देंगे लेकिन किसानों ने उनका साथ देना इनकार कर दिया तो उन्होंने मजबूरन अपनी सेना को बुलाया गया और असेंबली को वहां से मजबूर होने पर भंग कर दिया गया। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था तो वहां पे जाना कि उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं का राजनीतिक अधिकार प्रदान का मुद्दा विस्थापित किया गया लेकिन बड़ों वर्षों लेकिन वहां उनको इनकार कर दिया गया। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाएं तादाद संख्या में उनके सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग ले रही थी फिर भी उनको अधिकार देने से मना कर दिया गया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए गए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की तो यह जानकर महिलाओं ने अपना एक राजनीतिक अलग संगठन बनाया और अखबार शुरू किए गए और अपने राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत करने लगी। इसके बावजूद उन्होंने असेंबली के चुनाव का दौर स्टार्ट किया। इस कारण महिलाओं को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी तब महिलाओं को केवल प्रशिक्षकों की हैसियत से दर्शकों दीर्घा में खड़े होने को दिया तो जब महिलाओं का मताधिकार का स्थान भी नहीं दिया गया और महिलाओं को प्रशिक्षकों दृष्टि दर्शकों की हैसियत से वहां पर खड़ा कर दिया उनका उचित सम्मान नहीं किया गया। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने की कामयाब हुई किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल कर नहीं पाई। राजाओं को यह समझ आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियासतें देकर ही क्रांति को दमन के चक्कर समाप्त कर दिया जा सकता है। रूढ़िवादी ताकतें उदारवादी 1848 में आंदोलन को दबाने के लिए राजा वहां पर समझ गया था कि उनको कुछ नहीं हो सकता, उनको दबाने के लिए उनकी रियासत में उनका बंटवारा करना पड़ेगा तभी उनके क्रांति और धैर्य का चक्कर को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए राजा ने रियासतों का बंटवारा कर दिया। अतः 1848 के बाद 10 वर्षों के मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजाशाही ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया गया और पश्चिम यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकारी वाले क्षेत्रों और रूस में बुद्धत्व और बंधुता मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग के शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की हालांकि इसे निरंकुश मेगारों के प्रभुत्व का रास्ता साफ कर दिया गया। हैब्सबर्ग के शासकों ने हंगरी को और लोगों को ज्यादा सत्ता स्थापित कर दी और किसानों को कम सत्ता स्थापित कर दी जिसमें उन्होंने निरंकुश स्थापित हो गया उनके उनके मध्य मनमुटाव हो गया।